सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों का मैं विजय अपने YouTube चैनल गरिमा IAS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन इतिहास में पिछले चार अध्याय तक देख चुके हैं। आज हम लोग पांचवा अध्याय को शुरू करेंगे और पांचवे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता को ख़त्म कर दिया था, जिसका काल जो था लगभग हम बताए हुए थे 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल था। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं और आगे की जो भी चीज़ें हैं हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन जो है पहुँचते रहेगा। इसको भी बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है वैदिक काल, यहीं से आज से हमको देखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, वैदिक काल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले हमको यही जानने की आवश्यकता है कि वैदिक काल आखिर में हम इसको कहते क्यों हैं। तो वैदिक काल कहने के पीछे एक ही कारण मात्र है फ्रेंड्स, कि इस समय, इस काल में या इस कालखंड में जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल है, इसी में वेदों की रचना होती है फ्रेंड्स, जो कि हिंदुओं का एक तरीके से बोलिए कि धर्म ग्रंथ है, आर्यों का धर्म ग्रंथ है, आर्य जो थे उन्हीं का धर्म ग्रंथ है, और आर्य ही इसके वेदों के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। आर्य जो थे वेदों के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि वैदिक काल के बारे में आप लोग समझ लिए कि वेदों की रचना हुई तो इसको जो है हम लोग कहते हैं वैदिक काल। इसके पहले जो थी आपको बता चुके थे कि 1500 से पहले अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1500 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड था, ये हमारा सिंधु सभ्यता का काल था, ठीक। उसके पश्चात ये वैदिक काल काल आया, ये भी है अप्रॉक्सीमेट में है, लगभग में है फ्रेंड्स। पूरा चीज़ें तो क्लियर होती नहीं है, उन सारे चीज उस समय की चीज़ों का जो है लिखित साहित्य अभी प्रमाणतः उपलब्ध नहीं है। ये सारे के सारे जो है अभी समझ लीजिए कि प्राग, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। शुरू में हम लोग देखें फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात वैसा काल जिसमें लिपि का ज्ञान ही मनुष्य को नहीं था, वह प्राग ऐतिहासिक काल था। जैसे कि हम लोग पत्थर का जमाना था, उसमें पत्थर का औजार उपयोग करते थे मानव। उसके पश्चात हम लोग पढ़ रहे अर्ध ऐतिहासिक काल जिसमें कि लिपि का ज्ञान तो था, उसमें की लिपियाँ भी मिलती हैं लेकिन वर्तमान में उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताएं। और तीसरा जो था यह भी वैदिक काल का जो शुरू का दौर था उसमें भी फ्रेंड लोगों को कुछ बहुत लिपि का ज्ञान नहीं था। तो आप कहिएगा कि यह वेद का रचना उस समय कैसे हो गया था, वेद की उत्पत्ति कैसे हो गई थी। तो फ्रेंड्स वेद की उत्पत्ति तो हुई थी लेकिन श्रवण माध्यम से जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो था संचरित होता था, पहुँचाया जाता था। कहने का मतलब ये कि जो वहाँ के पुरोहित होते थे, जो वहाँ के विद्वान होते थे, उनको जो है वेद का ज्ञान होता था और वे अपने शिष्यों को कह करके सुना करके और सुन करके याद रखते थे तथा एक दूसरे से आपको दूसरे के पास जो है ये वेद की जानकारी चली जाती थी। तो इन तरीके से आपको वेद के बारे में थोड़ा बहुत जो है पता चल गया होगा कि वेद क्या है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि वैदिक काल का जो काल है पूरा का पूरा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। यह कौन सा आपको काल है तो आप कहिएगा अर्ध ऐतिहासिक काल है। कौन सा काल है? अर्ध ऐतिहासिक काल। इस समय के जो भी लिपियां मिलती हैं उस समय का हम लोगों को जो है पढ़ी नहीं जा सकती हैं अभी, ठीक। तो वैदिक काल आपको पता चल गया कि वैदिक काल क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल है, ठीक है। वेदों के एक और बात बता देना चाहते हैं कि वेदों की रचना काल कौन है, तो वेदों की रचना के बारे में किसी को पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आपको जो प्राचीन काल में ऋषि महर्षि हुए उन्हीं को ज्ञान दिए और उन्हीं के द्वारा जो श्रवण माध्यम से अर्थात श्रुति माध्यम से सुन सुन कर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली गई और समाज में इस तरह से जो है उसका पकड़ जो है बढ़ते चला गया और वेद की जानकारी का प्रचार प्रसार जो है इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो वेदों का शुरू का दौर तो आपको सुनकर ही, उसको श्रुति साहित्य इसी के कारण कहा जाता है क्योंकि सुनकर ही आगे की ओर जो था इसका परागमन होता था, आगे की ओर संचरण होता था, ठीक, आगे की ओर बहता था, बहाव होता था, चलता था, ठीक है। तो वेदों के बारे में एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि
वेदों की उत्पत्ति के संदर्भ में तो आपको पता चल गया कि उत्पत्ति जो है स्वयं भगवान किए हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने आपको मनु को उपदेश दिए थे। मनु जो थे सबसे धरती पर आने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उन्हीं को वेदों का ज्ञान दिए और वे मनु आपको धीरे धीरे वे पूरी संसार की जो है आपको लोगों को बताए, उसके पास जो है सृष्टि की रचना होती है, ऐसा मान्यता है। और फ्रेंड्स वेदों का संकलन किया गया है शुरू के दौर से, तो आपको पता होनी चाहिए कि शुरू के दौर से आपको वेद जो है वो आते रहता है, आपको श्रवण माध्यम से एक दूसरे में जो है श्रवण माध्यम से वेद चलता है, अर्थात सुन सुन कर आगे। लेकिन बाद में क्या होता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनको वेद व्यास के नाम से जानते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास या वेद व्यास बोल सकते हैं, उन्हीं ने क्या किए कि वेदों का संकलन करते हैं, सभी को एकत्रित करके उसको रचना कर देते हैं, मतलब उसको लेखन शैली में जो है तब्दील कर देते हैं। जिसको कि श्रवण माध्यम में फैल रहा था, आगे की ओर संचरण हो रहा था, अब वो जो है अब लेखन शैली द्वारा लोग जो है पढ़ेंगे और तब जानेंगे। तो चलिए अब एक एक करके अब समझने का प्रयास करेंगे। वेद के बारे में आप लोग को लगभग थोड़ी बहुत जो है जानकारी हम बता चुके हैं, सारे वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल, यह जो पहले का काल है जो फ्रेंड्स, यह जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या आर्य सभ्यता। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या आर्य सभ्यता। ऋग वैदिक क्यों कहते हैं, तो ऋग वेद का फ्रेंड्स इसी काल में आपको रचना होता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, उसके पश्चात तीन वेद का जो रचना होता है वह इस काल में होता है, सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का। ठीक, सबसे प्राचीन जो वेद था हमारा ऋग्वेद ही है, इसी के कारण इसी काल में यह रचना हुई, इसी कालखंड में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, इसी कारण जो है हम इसको बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। पूर्व वैदिक काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान करके चलिए यह 1500 है, यह 1000 है और यह 600 है, तो 1000 बीच में आ गया, 600 इधर आ गया और 1500 इधर, तो 1000 को बीच में मान करके इधर चलेंगे तो ये पहले का हो जाएगा और इधर का जो है बाद में हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये हो गया आपको 1500, ठीक, ये हो गया 1000 और ये हो गया आपको कितना 600। तो इसको पूर्व वैदिक काल क्यों कहते हैं, तो ये 1000 जो है बीच में है, मिडिल है, इसके पहले का जो है पूर्व कहते हैं और इसके बाद का उत्तर अर्थात बाद कहते हैं, उत्तर का शाब्दिक अर्थ होता है बाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि पूर्व वैदिक काल तो आपको उसमें वेदों की रचना हुई थी इसीलिए बोलते हैं। अब आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रफुल्लित होना, अंकुरित होना, जिस नवीन सभ्यता का उदय होना आपको हुआ, उसमें आर्यों का ही आपको भारत में आर्यों का ही उदय माना जाता है। तो इसलिए इस सभ्यता के बारे में जो है आर्य कहा जाता है। आर्य कौन थे हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न जो है हमेशा बनते रहे हैं। ठीक है, तो इतने चीज आपको हमको लगता है कि समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि सबसे प्राचीन जो है आपको कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक, उसके पश्चात आपको उत्तर वैदिक काल में बनता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स अब वेदों से हमको क्या प्राप्त होती है, तो वैदिक काल का ज्ञान अगर हमको लेना हो तो वेदों से ही हमको मिलती है, ये सारे वेदों से ही फ्रेंड्स आपको हमको ज्ञान मिलती है वैदिक काल का। ठीक, चाहे वह ऋग वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य होता क्या है। तो फ्रेंड्स आपको ब्राह्मण साहित्य के बारे में बताए थे कि प्राचीन काल में जब आपको वैदिक काल, प्राचीन काल या वैदिक काल के बारे में बोल सकते हैं, प्राचीन काल में जो वैदिक काल था उस समय की अगर हमको घटनाओं के बारे में, उस समय की जो भी पूजा अर्चनाएं होती थी, कर्मकांड हुआ करते थे, उसमें कुछ विधान हुआ करते थी, कुछ आपको नियम होते थे, कुछ परंपराओं को जो है पालन करना पड़ता था। ठीक, विधान, नियम, कानून उसका पालन करके उसका जो भी अनुष्ठान या पूजा का कार्य किया जाता था, यज्ञ का कार्य किया जाता था, उसके नियम होते थे, विधान होते थे, उसी को जो है एक ग्रंथ में संकलित किया गया, उसी को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, वेद भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, आरण्यक भी आता है, उपनिषद भी आता है, वेद भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, आरण्यक भी आता है और उपनिषद भी आता है। ठीक, और वेद तो आपको पता है कि सर्व प्राचीन है, वेदों की ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदों की रचना सर्वप्रथम हुई और वेदों में जो है सबसे प्रथम ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक,
आपको समझ में आ गया, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदों की रचना हुई सबसे पहले, और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद सामवेद की होती है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। उसके बाद जब ये हो जाते हैं उसके बाद ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण क्या होता है फ्रेंड, तो ये वेदों का ही एक रूप है, एक तरीके से बोलिए कि रूपांतरण है। आर्य जो थे वे आपको श्रवण माध्यम से वेदों का संचरण एक भाग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजते थे, तो ये तीन तरीके से भेजते थे। तो आपको पता होनी चाहिए कि वो श्रवण माध्यम से, तो श्रवण माध्यम से जो आगे की ओर पहुंचाने का काम करते थे तो वे हमारे पुरोहित हुआ करते थे, उस समय के आर्यों के पुरोहित हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, वे बहुत ज्यादा ही विद्वान होते थे। वेदों का जो शब्द था वह संस्कृत भाषा में वेद रचित गई थी, ठीक, शुरू के दौर में। और वेदों को सामान्य नागरिक को पढ़ने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता था, कठिनाई होती थी, सामान्य नागरिक पढ़ नहीं पाते थे वेदों के बारे में, तो उनकी ये सारी चीजों के बारे में जानकारी हो नहीं पाती थी, ठीक। समाज व्यवस्था के बारे में, सारे चीज, जिंदगी की हर चीजों, हर हर पहलुओं के बारे में वेदों में आपको वर्णन किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दिए कि तो यही वेदों का रूपांतरण जो होता है आपको सरल और सटीक भाषा में होता है, बिल्कुल साधारण सी भाषा में, ताकि आम नागरिक भी जो है उसको जान सके, पढ़ सके। तो उसी को ब्राह्मण कहा जाने लगा, नागरिक भाषा में जो है रूपांतरण होता है, ठीक है। ब्राह्मण क्या होता है आपको पता चल गया। अब बात करते हैं आरण्यक की। तो आरण्यक जो फ्रेंड्स वैसी साहित्य है, वैसे लेखन ग्रंथ है जिसको कि ऋषियों, महर्षियों, उस समय के जो भी गुरु होते थे उनके शिष्य जंगल में रहा करते थे तपस्या के दौरान, उसी दौरान जो है जंगलों में ही बड़े बड़े ग्रंथ की रचना कर देते थे, ठीक। तो उन्हीं ग्रंथों को जो है आरण्यक कहा जाता है। तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की गई रचना को आरण्यक कहते हैं, पता चल गया आपको। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद क्या होता है, तो वेदों के अंतिम भाग को हम आपको उपनिषद कहते हैं, वेदों की अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, ठीक। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे देखिए ये सारे तो वेद के ही अध्ययन थे, आपको वेद के ही अंग थे, ठीक। यह है नागरिकों के भाषा में तब्दील कर दी गई, और वेदों की सहारा लेकर ही आपको आरण्यक की भी रचना हुई, और वेद का सबसे अंतिम जो भाग था वह था आपको उपनिषद। इसी कारण जो है इसको वेद का अंतिम भाग या वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांत, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या कहा जाता है, वेदांत। तो फ्रेंड्स आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। उपनिषद में फ्रेंड्स क्या होता था, उस समय के जो भी गुरु हुआ करते थे अपने शिष्यों के से चर्चाएं हुआ करती थी, ठीक, वार्तालाप हुआ करता था कि कौन सी चीजें समाज में अच्छी होती हैं, कौन सी चीजें बुरी होती हैं, इन तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर जो है चर्चाएं होती थी, गुरु और शिष्य के मध्य वार्ताएं होती थी, वार्तालाप होती थी, चर्चा परिचर्चा होती थी, ठीक। तो फ्रेंड्स आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वेद के बारे में, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग वेद को पढ़ के ब्राह्मण को पढ़ लेंगे, उसके बाद आरण्यक को पढ़ लेंगे, उसके बाद उपनिषद को पढ़ लेंगे, ठीक। पहले क्या पढ़ेंगे, वेद को, उसके बाद ब्राह्मण को, उसके बाद आरण्यक को, उसके बाद उपनिषद को। चीजें समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स इसको बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग करके। वेद को सबसे पहले तो हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके चलेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग शुरू के दौर से जो चीजें हैं उसको हम लोग एक मैप में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हम अब सबसे पहले चलना चाहिए आर्य, आर्य कौन थे, इस प्रश्न का समाधान इस फिगर में हो जाएगा, उसके पश्चात हम लोग वेद के बारे में जो है पढ़ते चलेंगे। आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि वेदों की रचना तो आपको आर्यों आर्यों के द्वारा, जो आर्यों के आने से पहले आर्यों के ही लोगों ने किए, ठीक, ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा स्वयं मानता है लोग कि ब्रह्मा ने जो है इसकी उत्पत्ति की, वेदों की रचना, ठीक है। तो ऐसा किनका मानना है, तो आपको आर्यों का मानना है। आर्य कौन थे, तो इसके बारे में जो है फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि आर्य जो थे आपको सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिन लोगों का आगमन हुआ, जिन लोगों का निवास हुआ, जिन लोगों का प्रसार प्रचार हुआ, वे सारे आर्य ही थे। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आपको आपको पतन हो जाता है, और पतन का कारण भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको ऐसा माना जाता है कि आर्य ही थे। पतन का कारण भी माना जाता है आर्य ही थे, ठीक। अब आर्य कौन थे, तो आपको मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं, ठीक है। आर्य को लेकर के विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इतिहासकार कहते हैं कि आर्य यहाँ के रहने वाले हैं, कोई इतिहासकार हैं कोई कहते हैं वहाँ के रहने वाले हैं, कोई
कोई कहते हैं कि एशिया के थे, कोई यूरोप के, और इस तरीके से जो है अपना अपना मतभेद रखते हैं, और इनमें जो है आपको आपको मत रखते हैं और इनमें मतभेद बना रहता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस फिगर में कि आखिर में आर्य थे कौन और कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आर्य को शुरू के दौर से अभी तक जो है इसी विषय का जो है मुद्दा बना रहा है, अभी तक यह भी नहीं आपको क्लियर हो पाया है, स्पष्ट हो पाया है कि आर्य जो शब्द है यह भाषाई शब्द है, भाषाई शब्द के लिए उपयोग किया जाता है, या कोई जाति, जनजाति या समुदाय का नाम है। मतलब ये उस समय की कोई जाति है उसका नाम है आर्य, या यह आर्य जो है उस समय का कोई भाषाई समूह को कहा जाता था, मतलब विशेष भाषा को बोलने वाले समूह, जैसे कि संस्कृत का उपयोग किया करते थे लोग ये, तो इसलिए जो है उनको आर्य कहा जाता था। तो इस बारे में जो है विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सभ्य होता है, विद्वान होता है, सज्जन होता है, कुलीन होता है, पुरुषोत्तम में पुरुषों में उत्तम होता है, ठीक है। समझ में आ गया आर्य का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है, विद्वान होता है, सज्जन होता है, ठीक। अब आर्यों के द्वारा ही आपको बताया कि वेदों की रचना हुई, तो सबसे पहले हम आर्य के बारे में क्लियर कर देते हैं। वैदिक काल आपको बता चुके हैं 1500 से 1600 ईसा पूर्व है फ्रेंड्स, ठीक। तो कौन कौन से विद्वान क्या क्या बोले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस फिगर से, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो है सन 1856 ईस्वी में मैक्स मूलर महोदय, जो कि जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं मैक्स मूलर महोदय, और इन्हीं के मत को जो है सर्वमान्य भी माना जाता है, ठीक है, सर्वमान्य अभी इन्हीं के मत को जो है माना जाता है, ठीक है। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, ठीक। मध्य एशिया से क्या हुआ, वहां पर जलवायु परिवर्तन होता है और वहां से जो है आपको पलायन होने लगता है वहां के मानवों का, कहने का मतलब वहां पे जो भी लोग थे वे अब पलायन करने लगते हैं। वहां से पलायन करके कुछ लोग आपको यूरोप की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ लोग आपको मध्य एशिया के तरफ बढ़ते हैं, जैसे अरब में इराक, ईरान में बढ़ते हैं, ठीक, तुर्की में, सीरिया में बढ़ते हैं, और इसका एक खेमा आता है भारत की तरफ आता है और एक खेमा ईरान की तरफ, ईरान की शाखा की तरफ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। मध्य एशिया से आता है और भारत में आता है, ठीक। तो आप कहिएगा कि ये लोग कहाँ तक बसते थे, आर्य तो इतना क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले ये चीजें स्पष्ट कर दूं, जो मध्य एशिया से आए, तो आर्य जो आए फ्रेंड्स वे आपको सिंधु नदी के बारे में आपको बताए थे कि सिंधु नदी इधर से निकल करके, मानसरोवर से निकल करके इधर जो है आपको कराची के पूर्व में गिरता था अरब सागर में, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी थी, आपको झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इतनी चीजें तो आपको पता है कि झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक। चिनाव का जो झेलम का जो है प्राचीन नाम, झेलम का जो प्राचीन नाम है विदस्ता है झेलम, और चिनाव का जो प्राचीन नाम है, चिनाव को अस्किनी के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद हम सारे चीज के नाम जो है एक एक करके बताएंगे। झेलम हो गया, चिनाव हो गया, व्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सरस्वती, एक और सरस्वती भी नदी थी फ्रेंड्स, आपको जो बताए थे कि घग्गर नदी जिसको कि वर्तमान में जाना जाता था, सरस्वती नदी के किनारे काफी भी इम्पोर्टेंट है सरस्वती नदी भी, ठीक। और इसी के किनारे जो है सर्वाधिक जो है हड़प्पा काल का जो स्थल मिला था, आपको बताए हुए थे पिछले वीडियो में, हड़प्पा काल का सर्वाधिक वीडियो आपको स्थल जो है हमको सरस्वती नदी के किनारे ही और गुजरात में मिले थे, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। तो इसको फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके आपको सहायक नदी जो है सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, और एक हो गया आपको सरस्वती। तो ये सात नदियां हैं, और इस सातों नदियों को मिलाकर के इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, ठीक। क्या कहा जाता था, तो सप्त सैंधव प्रदेश, क्या कहा जाता था, तो सप्त सैंधव प्रदेश, यह गंगा के मैदान से लेकर के, यह ऊपर वाला सिरा से दुआब जहाँ शुरुआत होती है यहाँ से लेकर के, और पंजाब में एक जगह है सरहिंद नाम का, पंजाब में एक जगह है सरहिंद नाम का, ठीक, सरहिंद, ठीक। तो यह सारा का सारा क्षेत्र फ्रेंड्स यह कहलाता था सप्त सैंधव प्रदेश, क्या कहलाता था, सप्त सैंधव प्रदेश, और इसी क्षेत्र में जो है आपको ये सप्त सैंधव प्रदेश में ही आपको आकर के बस गए आर्य, सबसे पहले यहीं पे आए और यहीं पे जो है बस गए, और यहाँ के जो पहले मूल निवासी थे जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कहा जाता है ऐसा कि ये आक्रांता के रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में आए, और इन लोगों को जो है हटा देते हैं, भगा देते हैं, किनको हटा देते हैं, तो यहाँ के जो मूल निवासी थे जिसको कि हम लोग द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यहाँ के मूल निवासी को द्रविड़ के नाम से जानते हैं, उन लोगों को जो है भगा देते हैं, उन लोगों को आपको
मतलब खदेड़ देते हैं यहाँ से। अब ये लोग जो है दक्षिण की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है। ठीक, अभी वे क्या करते हैं, आर्य जब आते हैं तो यहाँ पर जो है यहीं पे रहने लगते हैं और इस तरीके से अपना प्रचार प्रसार जो है करने लगते हैं। ठीक, लेकिन इस माने को लेकर के विद्वानों में काफी मतभेद है कि आर्य जो है भारत के ही रहने वाले थे, इसके बारे में हम और आपको बता रहे हैं। तो इतना चीजें सबसे स्पष्ट जो है यही याद रखिएगा कि मध्य एशिया से आए मैक्स मूलर महोदय ने कहा था 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो उनकी उनके अनुसार एक और शाखा जो है ईरान की तरफ भी बढ़ी थी आर्यों की, ऐसा मिलता है प्रमाण। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आपको समझ में आ गया कि आर्यों का फैलाव कहाँ तक तो था। तो ये मध्य, आपको मध्य भारत यह हो गया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाका, और इधर है आपको सदानीरा गंडक नदी। गंडक नदी आपको पढ़ाए थे नदी चैप्टर में, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं नदी के बारे में। तो सदानीरा जिसको कि गंडक नदी कहते हैं, यह क्षेत्र लेकर के और इधर का पूरा क्षेत्र जो है आपको ऊपर का नर्मदा का, ये सारा का सारा जो था वैदिक काल का जो है क्षेत्र था। कहने का यह मतलब कि जो क्षेत्र आपको हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता था, इधर जो है ईरान तक, आपको ईरान बोल रहे हैं, अफगानिस्तान तक जो है आता था। ठीक है, कहाँ तक आता था, तो अफगानिस्तान तक आता था। ठीक है, अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान के काबुल से लेकर एक काबुल नदी बहती है और ये सारा का सारा क्षेत्र जो है आपको कहलाता था, आपको वैदिक काल का जो प्रचार प्रसार था इतना ही क्षेत्र में था। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि आपको कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, अब आइए थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन से विद्वान थोड़ा कुछ कुछ बोले हुए हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि नेहरिंग महोदय, पीक महोदय तथा गार्डन चाइल्ड्स, ठीक, ये सारे के सारे जो है यूरोपियन अर्थात विदेशी इतिहासकार हैं, और इनका मानना है कि जो आर्य आए थे वे दक्षिणी रूस में आपको सर्वप्रथम आपको इनका उदय होता है और ये यहीं से उदय होकर के भारत तथा अन्य विश्व के देशों में जो है जाते हैं और इनसे जो है प्रचार प्रसार होता है और दुनिया में जो है आपको मानव की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लिए। आर्य का मतलब होता है सभ्य, विद्वान, सज्जन, कुलीन, महापुरुष, ये सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देविका जो है आपको देविका पड़ता है मुल्तान में। मुल्तान आपको ये पाकिस्तान वाला मुल्तान मत समझिएगा, मुल्तान जो है एक और जगह है, आपको अफगानिस्तान में पड़ता है और वहाँ पे मुल्तान नाम की एक नदी भी है। ठीक है, तो वहीं पे एक देविका स्थान है, वहीं से आपको डीएस त्रिवेदी जो है काफी बार पूछा गया है। डीएस त्रिवेदी जो है मानते हैं देविका से जो है आप तो सर्वप्रथम यहीं पे आपको आर्यों का उदय होता है और यहीं से जो है भारत में आते हैं और हिमालयी क्षेत्र में बह जाते हैं और यहीं से जो है धीरे धीरे इनका इधर की ओर प्रसार होने लगता है। ठीक, कुछ विद्वानों का जो है पामीर का पठार पर भी जो है मानना है, कुछ विद्वानों का पामीर का पठार भी जो है मानना है। ठीक, अब आइए आपको समझ में आ गया कि आपको ये तो मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया किसको कहते हैं फ्रेंड्स, तो मध्य एशिया का अभी वर्तमान जो है आपको किर्गिस्तान है, मतलब यूराल पर्वत का जो पूर्वी इलाका है एक तरीके से बोल सकते हैं, उसके निकट का इलाका जो मैदानी क्षेत्र है, या आल्पस पर्वत जो कि जर्मन आपको फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इटली में पड़ता है और आपको हंगरी में पड़ता है, ये चार देशों में मिलकर के आल्पस पर्वत का फैलाव है और आल्पस पर्वत के पूर्व की ओर जो है फ्रेंड्स आपको जो चीजें हैं वो मध्य एशिया के नाम से जाना जाता था। तो मध्य एशिया के अंतर्गत आपको कैस्पियन सागर यहीं पे है, आप मैप में देखिएगा तो कैस्पियन सागर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया कहलाता है। ठीक है, तो मध्य एशिया से ही आपको आए थे, यह कहाँ है तो आल्पस पर्वत के पूर्वी इलाका में। ठीक, मध्य एशिया जो अभी वर्तमान में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे नाम आप सुनते होंगे, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके पांच देश हैं वो मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि नाम अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। पहला है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक, उसके बाद है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो पांच देश हैं। ठीक है, तो यहीं से मैक्स मूलर महोदय बोले थे, डीएस त्रिवेदी देविका मुल्तान बोले थे, पामीर के पठार को भी कुछ विद्वानों ने जो है बताए थे। ठीक है, पामीर के पठार को भी कुछ विद्वान जो है आपको बताए हुए हैं। ठीक, ये सारी चीज भी हम नीचे लिखेंगे फ्रेंड्स, घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे चीज आपको समझ में आएगा। मध्य एशिया से ही फ्रेंड्स आपको विद्वान, आपको मानना है कि सर्वप्रथम जो है आपको मानव की उत्पत्ति हुई, इसमें जो है कुछ लोग जर्मनी को भी मानते हैं, जिसमें कि जर्मनी के विद्वान है आपको पेंका तथा हर्ट, ये पेनका जो लिखे हैं इसको कहीं कहीं पेंका भी लिखा हुआ होता है। ठीक, पेंका और ये हर्ड, इनका मानना है जो मध्य एशिया है, क्योंकि आपको ये इनका मानना है कि मध्य एशिया नहीं है बल्कि जर्मनी है, पेंका और हर्ड का जर्मनी से उदय होता है और ये लोग जो ही इधर से फैलते हैं। ठीक,
ठीक है। तो पेंका और हर्ट का मानना कहाँ है, तो जर्मनी में। और जर्मनी से ऐसा कहते हैं कि मध्य एशिया में जाते हैं या विश्व के अन्य देश में जो है इस तरीके से इनका फैलाव होता है, ठीक है। तो जर्मनी के जो ये पेंका हर्ट है किस आधार पर बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि फ्रेंड्स वहां पर जो है एक डिकोडिंग पाया जाता है वहां के लोगों में। जर्मनी के जो लोग हैं वहां के जो लोग हैं उनके आपको अनुवांशिकी गुण में ऐसा बोल सकते हैं, तो उनके अंदर जो भी अनुवांशिकी गुण है उनके अंदर एक पाया जाता है M70, M17 नाम का एक आपको अनुवांशिक जेनेटिक संकेत है। यह जो है वहाँ के लगभग लगभग 40% लोगों में पाया जाता है, जर्मनी के 40% लोगों में पाया जाता है यह M17 नाम का जो है जेनेटिक संकेत। अब यहाँ के 40% लोगों में पाया जाता है। और वही दिल्ली के जो भी हिंदी भाषा बोलते हैं, दिल्ली के निकट का जो भी हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें भी आप 35 से 40% के जो है आपको जेनेटिक संकेत मिले हैं। इस आधार पर वैज्ञानिक ने जो प्रूव किए हैं, वैज्ञानिकों ने भी यह प्रूफ कर दिया है कि निश्चित रूप से हंगरी आपको जर्मनी से ही आपको ये आए थे। आपको ये पता चल गया जर्मनी के बगल में ही आपको हंगरी पड़ता है। तो पी गाइल्स महोदय का मानना है, पी गाइल्स महोदय का, कि हंगरी से जो है आर्य की उत्पत्ति होती है और इस तरीके से जो है पूरी दुनिया में जो है वे फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया कि पी गाइल्स महोदय क्या कह रहे थे, ठीक है। पी गाइल्स महोदय कहे थे, तो ये भी आपको जर्मनी के बस बगल में आपको पड़ता है हंगरी, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि मध्य एशिया से कैसे आए थे, इसके बारे में हम लोग को प्रमाण चाहिए। अब हम किसको माने, यह है ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश कहने का मतलब आपको बताया है पंजाब में सरहिंद एक जगह है, वहां से लेकर के अर्थात सब सैंधव प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको लेकर के। और यह ब्रह्म ऋषि देश किसको कहते हैं, तो ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं पंडित गंगानाथ झा, जो कि बहुत बड़े विद्वान है। इनके बारे में भी पूछा जाता है, ये बताए हुए थे कि ब्रह्म ऋषि देश से जो है आर्यों की उत्पत्ति होती है और यहीं से जो है पूरी दुनिया में फैलाव होता है। तो ब्रह्म ऋषि देश किसको कहते हैं, तो गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है उसको दुआब बोलते हैं। गंगा या और यमुना का जो क्षेत्र है उसको दुआब बोलते हैं, तथा उसके निकटवर्ती का क्षेत्र जो भी है आपको उसके निकट का कुरुक्षेत्र हो गया या इंद्रप्रस्थ हो गया, ठीक। और इसका क्षेत्र लेकर के और इधर पंजाब में जो है सरहिंद बताए ही है, ये सारा का सारा क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश कहलाता था प्राचीन काल में, ठीक। तो ब्रह्म ऋषि देश अर्थात ऋषियों का देश, ऋषियों का तपस्या वाला जगह, ठीक। तो इसी को जो है ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। और पंडित गंगानाथ झा ने बोले हैं कि आपको यहीं से जो है आपको आर्यों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब एल्डिकल, ये बताया है कि जम्मू कश्मीर से एल्डिकल इनको बोलिए या एल्डिकल्ला, कहीं कल्ला भी देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो एल्डिकल जो थे आपको जम्मू कश्मीर को बताए हैं, और जम्मू कश्मीर थोड़ा बहुत आपको पंजाब का क्षेत्र ये मान करके चलते हैं कि यहीं पे जो है आर्यों की उत्पत्ति होती है और यहीं से पूरे दुनिया में जो है फैलते हैं, ठीक। अब आइए एक और पॉइंट है, तिब्बत में कौन मानते हैं, तो तिब्बत के विद्वान जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और इनका मानना है कि आर्य जो है सबसे पहले तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों में, और वहीं से जो है आपको दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में आपको चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रमाण भी मिलता है अपन बहुत ही प्राचीन प्राचीन 6000 ईसा पूर्व के लगभग लगभग जो है अभी वर्तमान में वहां से हथौड़े मिलते हैं और काफी सभ्य हथौड़े मिलते हैं, लोहा के धातुओं के मिलते हैं, ठीक है, ठीक। तो लेकिन इसको अभी सही नहीं माना जाता है, ये सारे जो है मतभेद बने हुए हैं। एक और है काफी बार पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ये बताए हैं आर्कटिक अर्थात उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को बताए हैं कि यहीं पे जो है इनकी उत्पत्ति होती है और यहीं से जो है आपको दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो है ये आ रहे जाते हैं और मानव समुदाय की जो है उत्पत्ति इस तरह से जो है होने लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आपको ये कि ये किस आधार पर उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक महोदय जो है आपको एक बात वर्णित है, महाभारत में एक शब्द वर्णित है, एक पर्वत का नाम उल्लेख किया गया है आपको सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत, सुमेरु पर्वत, जो कि महाभारत में जो सुमेरु पर्वत का नाम लिया गया है वह सुमेरु पर्वत को जो है उत्तरी ध्रुव आपको उत्तरी ध्रुव की ओर ही संकेत किया गया है, ठीक। और एक और शब्द का उल्लेख किया गया है कि दीर्घ उषा कालीन, दीर्घ उषा काल का जो है ऋग्वेद में चर्चा की गई है। दीर्घ मतलब बड़ा, उषा मतलब क्या होता है, गर्मियों का दिन, या बड़ा दिन बोल सकते हैं, उषा मतलब दिन होता है, ठीक है। तो मतलब आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव में है 6 माह का दिन और 6 माह का जो है रात होता है, तो सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ा रात, इसी आधार पर भी वहां ये बताते हैं कि इस आधार पर, क्योंकि ऋग्वेद में ये मिलता है कि सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ा रात होता है, तो उत्तरी ध्रुव आपको अभी वर्तमान में जो है उत्तरी ध्रुव में ही होता है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने आपको बताते हैं कि आपको जो है उत्तरी ध्रुव में आपको हुआ है यहाँ पर आर्यों की उत्पत्ति और इस तरीके से जो विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं, ठीक है।
सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। आपको ये देविका क्या है, पामीर का पठार भी है, ठीक। एक और विद्वान है फ्रेंड्स, आपको वो बताए हैं बैक्ट्रिया के रहने वाले थे। बैक्ट्रिया फ्रेंड्स हिंद और यूनानी, हिंद और यूनानी को सम्मिलित रूप से आपको बैक्ट्रिया कहा जाता है। कुछ लोग जैसे कि रोड्स नाम के विद्वान हैं, रोड्स रोड्स वे बताए हैं कि बैक्ट्रिया के जो है निवासी थे हिंद ही। कुछ आपको हिंद और यूनानी मिश्र रूप से जो है बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं ये हित्ती और मित्तनी क्या, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बताए हैं कि हित्ती और मित्तनी क्या, ठीक है। आपको बोगाज कोई नाम का एक बताए थे कि प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में आपको विदेशी अभिलेख मिला था, ठीक। तो इसके बारे में आपको बताए थे। तो ये प्रमाण हम कैसे मानेंगे कि मध्य एशिया से आए, तो मध्य एशिया से जब आए तो ये बीच में जो है रास्ता पड़े, इधर भी चले गए धीरे धीरे आगे के, कुछ लोग इधर बस गए, कुछ इधर बस गए और इधर बस गए, ठीक है। तो आपको एक उल्लेख मिलता है यहीं से, यहीं पे एक अभिलेख मिला है बहुत ही प्राचीन। एक है हित्ती, एक राजा थे। हित्ती एक जगह है फ्रेंड्स, हित्ती एक जगह है और वहीं के एक राजा थे सपिल्लु ल्युमा। एक राजा है सपिल्लु ल्युमा। हित्ती जो अभी वर्तमान जगह है ये तुर्की में पड़ता है, जहाँ की अनातोलिया का पठार है तुर्की में, और तुर्की को ही आप अगर बोल सकते हैं तुर्की को ही हम अनातोलिया का पठार वहां पे है। और दूसरे नाम में हम उसको क्या, किस नाम से जानते हैं, तो एशिया माइनर देश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एशिया माइनर देश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हित्ती एक जगह है और मित्तनी एक और जगह है। तो मित्तनी किसको कहते हैं, तो ये वर्तमान जो तुर्की के नीचे का देश है सीरिया, आप लोग मैप में देखिए, तुर्की के नीचे एक देश है, छोटा सा देश है, त्रिभुजाकार देश है सीरिया। सीरिया का जो देश आपको जगह है मित्तनी, वहां पर एक जगह है मित्तनी। कौन सा जगह है, तो मित्तनी। सीरिया का कौन सा जगह है, मित्तनी। और ये है हित्ती आपको तुर्की का। तो हित्ती और तुर्की ये दोनों लोग जो थे आर्य जो थे, परस्पर आपको लड़ने भिड़ने का काम करते थे, खुद में ही उनको लड़ाइयां होती थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके जब राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वे आपस में ही लड़ा करते थे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे आपको लड़ाई नहीं करते थे, वे आपको नगरीय सभ्यता वाले थे। लेकिन वैदिक सभ्यता के जो लोग थे आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक। और ये जो आपस में जो है लड़ा भिड़ा का काम करते थे, लड़ाई का भी काम करते थे। तो ये दोनों के बीच जो है लड़ाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, सपिल्लुमा के बीच और मतिवाजा के बीच। और ये दोनों थे हित्ती के और मित्तनी के नरेश। और इन दोनों के बीच मध्यस्थता होती है, संधि होती है कि अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। और उसमें जो है आपको वैदिक देवता का ही कसम दिलाया जाता है, और ये दोनों जो है वैदिक देवता के कसम ही खाते हैं, क्योंकि ये अभिलेख में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और उस कसम में साक्षी के रूप में जो है इंद्र का आपको, इंद्र गरुड़ नासत्य, ठीक, इंद्र गरुड़ नास्त्य, ये सारे जो थे आपको उस समय के आपको वैदिक देवता थे। ये सारे वैदिक देवता के उस समय के नाम है, इंद्र गरुड़ ठीक नास्त्य, ठीक। तो ये सारे का जो है आपको उस समय क्या करते हैं, ये लोग अपने कसम में उनका नाम लेते हैं, ठीक। कसम में जो है नाम लेते हैं साक्षी के रूप में कि हम नहीं करेंगे। तो यही प्रमाणित करता है कि अगर ये सारे लोग, जबकि आर्य तो यहाँ पे आए, तो ये आर्य जो है यहाँ पर आकर के आपको इनके देवता भी थे, आपको प्रकृति जो थी इनकी देवता थी, ठीक। तो इंद्र वरुण आपको नास्त्य, ये सारे का आपको यहाँ पर वर्णन है। तो इन्हीं का कसम ये क्यों खाते हैं, तो निश्चित रूप से ये इधर से आए होंगे और इनकी कल्चर भी पता होगी, इनकी संस्कृति भी पता होगी, इनके भी देवता वही होंगे, इनके भी देवता यही होंगे। और इसी कारण जो से जो है ये लोग दोनों कसम खाते हैं। और यही प्रमाणित करता है कि यहाँ यहीं से आए थे और कुछ लोग यहाँ पे चले गए और कुछ लोग इधर की तरफ आ गए, ठीक है। एक शाखा जो है आपको इधर भी बटी हुई है ईरान की तरफ, इसके बारे में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। इतना जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, एल्डिकल, ठीक है। तो हम आशा करता हूँ आप सभी को जो है आर्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है मिली होगी। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे आपको किनके बारे में, तो विशेष रूप से वेद के बारे में, वेद आरण्यक उपनिषद, ठीक है। आप लोग शाम तक हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, आप लोग ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको कल जो है थोड़ा सा काम पड़ गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज शाम तक वीडियो आप उसको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सुन लीजिए। आर्य के मूल स्थान को लेकर के विद्वानों में जो है आपको बहुत सारा मतभेद है, आपको पता है, ठीक। तो समान निष्कर्ष पर जो है पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल सा है। आर्य शब्द का अर्थ जो है आपको बता ही चुके हैं कि श्रेष्ठ होता है, धर्मात्मा बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष बोल सकते हैं, कुलीन पुरुष बोल सकते हैं, ठीक है। भारत में इन्होंने काले और ठिगने द्रविड़ों की आपको बताया था कि भारत में जो थे यहाँ पर जो लोग थे काले होते थे और ठिगने अर्थात कद काठे में छोटे होते थे।
इसलिए जो उनको द्रविड़ कहा गया, इनको जो है खदेड़ दिए थे यहाँ से, आपको हटा दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को क्या कहते थे कि द्रविड़ियों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, कहते थे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं और ये लोग जो है आपको एक तरीके से बोलिए कि दास है, दस्यु है, ठीक। तो आपको पता चल गया, आर्यों के मूल निवास पर तो विद्वानों के बीच मतभेद ही हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का बताया, ठीक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं। अविनाश चंद्र जो है आर्यों को पंजाब बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्यों को तिब्बत का बताए हैं। रामशरण शर्मा जो है अपनी पुस्तक में आर्यों की खोज में उन्होंने विदेशी मूल का बताया है। इन तरीके से आप लोग विभिन्न चीजों को देख रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में विशेष रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, आपका तो बनता है। और फ्रेंड्स, एक और बात बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं मार्च तक, मार्च बोल रहा हूँ, मतलब मई तक जो है मैं चारों, मतलब संविधान का तो आधा से ज़्यादा हम वीडियो पढ़ा आपको बता ही चुके हैं। भूगोल तो मेरा समाप्त है, एक चैप्टर है, एक दो, उसको तो डालना कभी बहुत ईजी है, आप लोग उतना कर लीजिए पहले, उसके बाद हम उसका भी कर देंगे। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात रही, उसको भी आप कर देंगे। केवल इतिहास खत्म करके फ्रेंड्स हम उसको भी शुरू करेंगे, मतलब मई तक जाते जाते हम पांच सब्जेक्ट कम से कम क्लियर कर देंगे, जिसमें कि विश्व भूगोल को भी हम शामिल करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता न कीजिए, इसी तरह साथ देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।